लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ कांग्रेस ने डबल इंजन की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राज्य की बीजेपी सरकार के निर्देश पर अधिकारी अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाकर आम जनता का रोजगार तबाह कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार से कानून बनाकर प्रभावितों को राहत देने की मांग की है, जबकि राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता का हित होना चाहिए और जनता के हित के अनुसार ही नीति बननी चाहिए करके, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पे जो जनता का हित हो रहा है, उनके जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनके भवनों को तोड़ा जा रहा है, तो हमारी इस धरने के माध्यम से सरकार से मांग है, चेतावनी है कि माननीय न्यायालय में प्रदेश सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है। जब एक शराब कारोबारी के लिए, जहाँ पे प्रदेश सरकार का राजस्व होता है, उसके लिए उच्चतम न्यायालय जा सकती है और हमारे जो रिस्पना में मामला आया था, रिस्पना पुल का, वहाँ पर उसके लिए वो न्यायालय में जा सकती है, तो जहाँ लाखों हजारों लोग हमारे जो उजाड़े जा रहे हैं, जिनका चिन्हीकरण हो रहा है, जो अपनी भूमि में हैं, तो उनके लिए सरकार क्यों नहीं माननीय न्यायालय में जाके पैरवी कर रही है, क्यों नहीं हमारे सरकार एक विशेष सत्र आहूत करके अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है। उस प्रदेश की सरकार को चेताने के लिए, जनता की भावनाओं को प्रदेश सरकार के सम्मुख लाने के लिए आज हमने कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहां पर एक धरना आयोजित किया है।